अगली खबर आ रही इंदौर से, जहां रावजी बाजार थाना क्षेत्र के कुमावतपुरा के पीछे मंगलवार सुबह एक महिला का शव मिलने से सनसनी फैल गई थी। सूचना पर तुरंत पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। बताया जाता है कि पत्थरों से बेरहमी से सिर कुचलकर महिला की हत्या की गई है। मामले का खुलासा करते हुए पुलिस ने सीसीटीवी के आधार पर पहचान कर उमा उर्फ उर्मिला की हत्या में अंडे का ठेला लगाने वाले नाबालिग को हिरासत में लिया है। आरोपी अंडे का ठेला लगाता है, महिला से यौन संबंध बनाने के बाद पैसे के लेन देन के कारण आरोपी ने हत्या की। महिला खंडवा जिले के जमुनिया की रहने वाली है। सीसीटीवी के आधार पर पुलिस ने आरोपी की पहचान की। आरोपी पर पूर्व में भी अपराध दर्ज है। देर रात गश्त के दौरान पुलिस ने आरोपी को इलाके में देखा था। वहीं महिला के परिवार वालों ने सबको ले जाने से मना कर दिया। आपको बता दें कि घटना की जानकारी महिला सफाई कर्मी ने करीब सुबह 8:15 बजे पुलिस को दी थी। 3 दिन में हत्या का यह दूसरा मामला है। इससे पहले एरोड्रम थाना क्षेत्र में महिला का शव मिला था। उस मामले में भी अभी तक पुलिस के हाथ कुछ नहीं लगा। ये एक रावजीवाड़ा थाना क्षेत्र में, जैसा कि आप देख रहे हो, ये गली है, लड्डू वाली गली है। इस गली में आज सुबह खबर आई थी कि एक महिला की लाश पड़ी हुई है और सिर पे चोट का निशान है। घटना की गंभीरता को देखते हुए हम सभी स्पॉट पर आए। FSL टीम ने घटनास्थल का विजिट किया। हम लोगों ने जो यहाँ के आवश्यक साक्ष्य हैं वो इकट्ठे किए हैं। लाश को PM के लिए रवाना किया गया है। इसमें आइडेंटिफिकेशन हो चुका है लाश का, पहले तो आइडेंटिफिकेशन नहीं हुआ था। और इसके अलावा वेयर अबाउट सारे पता कर रहे हैं। आसपास जो हमारा टेक्निकल और ह्यूमन इंट की जो हमारी टेक्निक होती है पुलिस की, उसमें सारा काम शुरू कर दिया है। बहुत जल्दी आरोपियों का खुलासा करेंगे, इवन गिरफ्तार करेंगे। ये बड़ा सा पत्थर है, जहाँ तक अभी तो प्राथमिक रूप से समझ में आया है कि बड़ा सा पत्थर स्पॉट से उखाड़ा है और वो लाश के पास मिला था, जिसमें खून के निशान मिले हैं। संभावना है कि उसी को सर्वपटक की हत्या की गई। सर, महिला की पहचान हो गई है? अभी स्टैब्लिश नहीं हुई है, क्योंकि पहचान यहाँ वहाँ के लोगों ने की है, लेकिन अभी जब तक उनके परिजन स्टैब्लिश नहीं कर देंगे, तब तक हम लोग उसका ओपन नहीं कर सकते कि वो पहचान उनकी हुई, क्योंकि ये पहचान जो है कन्फर्म तब मानते हैं जब कोई ऑथेंटिक व्यक्ति उसको कन्फर्म कर देता है।